गाइस व्हाट्सअप कैसे हो आप लोग। दोस्तों अभी हम किचन में आ गए और पनीर का सब्जी बनाने वाले हैं। आप लोग देख रहे हैं पनीर का मैंने कट कर दिया है, बाकी प्याज आंटी जी काटती गई थी तो प्याज यहाँ कट हो चुका है और मसाला अभी लाइट आया हुआ है तो मसाला ही पीसना है। तो सबसे पहले पनीर को फ्राई करने के लिए रख देते हैं, उसके बाद मसाला फटाफट पीस लेते हैं क्योंकि लाइट है और जब भी मसाला पीसना होता है तो लाइट कट जाता है, इसलिए हम पहले पीस ही लेते हैं मसाला। सबसे पहले इसमें तेल डाल देते हैं कढ़ाई को, पहले तो गैस जलाना पड़ेगा। मॉर्निंग भी हो चुका है, अभी आप लोग बाहर का देख सकते हैं नज़ारा। यहाँ मौसम थोड़ा सा अभी ठीक है, सुबह के लगभग 8 बज चुका है। बाकी मैंने ब्लॉग वगैरह शूट कर दिया है मेन चैनल के लिए, अभी मम्मी भी फ्रेश हो गई हैं और आप लोग ज़रूर देखना जो मेन चैनल पर मेरा ब्लॉग आया हुआ है, बहुत ही मज़ेदार मम्मी के साथ। मम्मी से मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये को मैंने कट कर लिया है, यहाँ लहसुन भी है, यही प्याज है, एप्पल को अभी खाना है मुझे। यहाँ पनीर कट कर लिया है और यहाँ भी पनीर को मैं फ्राई कर दी हूँ मम्मी जी से। यहाँ पनीर थोड़ा सा फ्राई हो गया है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करना, और इसमें मैंने प्याज बॉयल करने के लिए बैठा दिया तो प्याज भी हो जाएगा। बाकी यहाँ मसाला तैयार कर दिया मैंने, मतलब तैयार करना है जीरा मरीच गरम मसाला लहसुन और थोड़ा सा प्याज डाल दिए ताकि और भी अच्छा हो। तो अभी पनीर का रेसिपी आज के ब्लॉग में दिखाएंगे, पनीर का रेसिपी कैसे, मतलब पनीर कैसे बनाते हैं हम इसका ग्रेवी वाला सब्जी। वैसे पनीर का बहुत सारा, पनीर चिली बनता है, बहुत सारा कुछ बनता है, लेकिन आज पनीर का रेसिपी दिखाएंगे सब्जी। तो अभी यहाँ पे सब पनीर को पहले फ्राई करना है मुझे और आप लोग इंजॉय करते रहना ब्लॉग में खूब सारा। बाकी मौसम भी उतना मौसम है, यहाँ पूरा पनीर फ्राई हो गया है आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने मसाला भी पीस लिया, जीरा मिर्च लाल मिर्च लहसुन प्याज गरम मसाला। प्याज बॉयल हो गया है तब तक मैं प्याज को भी निकालने जा रही हूँ। तो प्याज बॉयल होने के बाद प्याज को उसमें डाल के भून रहे हैं और मसाला भी हो गया है, बाकी पनीर भी फ्राई हो गया है, तब मसाला को डालेंगे। अभी यहाँ प्याज मस्त बॉयल होने के बाद ऐसा हो गया है, कितना अच्छा ऐसे कच्चा रह जाता है, ऐसे थोड़ा सा टाइम कम लगता है बॉयल करने के बाद। सब पूरी हुई, इसमें मैंने मसाला डाल दिया है, अब हल्दी नमक डाल देते हैं, फिर थोड़ा देर में टमाटर डालेंगे। मसाला में हल्दी नमक भी लग गया है तो देखें कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो अब मसाला भी फ्राई हो गया है, पूरा मसाला लाल हो गया है, अब तेल भी छोड़ने लगा है, तो चलिए आप लोग दिखाते हैं। आप लोग देख रहे हैं मसाले का शक्ल कितना अच्छा दिख रहा है ना, पूरा एकदम अच्छे से हो गया। आप थोड़ा सा टेस्ट करके इसको और भून लेते हैं, उसके बाद इसमें पनीर डाल के और पानी डाल के इसको बन जाएगा बस थोड़ी देर में। आप लोग को अच्छे से रेसिपी नहीं दिखा पाए हैं, मतलब क्या क्या कैसे कर रहे हैं, लेकिन बता दे रहे हैं। यह मसाला फ्राई होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है पनीर को, देखते पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा, मम्मी से पूछेंगे। अभी थोड़ी देर तक पनीर को भूजना पड़ेगा क्योंकि जो पनीर है वो उसके अंदर नमक नहीं है, तो मसाला में नमक डाल दिया है मैंने, तो मसाला का जो नमक है वो भूजने के बाद पनीर में भी चला जाएगा। तो पनीर का सब्जी बन के हो गया है तैयार, आप लोग देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है, बट पता नहीं कैसा लगेगा इसका टेस्ट। तो अभी पापा जी आ गए हैं तो जा रहे हैं मम्मी पापा को नाश्ता देने, यहाँ पर प्लेट में निकाल दिए और बाकी यहाँ पे एक तरफ दूध बैठा दिए, एक तरफ अभी ये हो ही रहा है। तो सब्जी बन के हो गया तैयार, आप लोग देख रहे हैं बहुत टेस्टी दिख रहा है, लेकिन पता नहीं कैसा लग रहा है, मम्मी से थोड़ी देर में पूछेंगे नीचे मोटर चलाने के लिए पानी नहीं है। तो ये जो पनीर का सब्जी बनाया है मम्मी बोली अच्छा बनाई है, तब मम्मी को बहुत अच्छा लगा, मम्मी को फिर से लेके गए, मम्मी बोले बहुत अच्छा बनाई है, अभी इसको आ गया है बनाने, तो पहले नहीं आता था तो मम्मी से पूछ पूछ के बनाते थे। अभी पनीर का वो छिट्टा हमारे आँख में पड़ गया है, बहुत इतना मिर्चा डाला होता है सब्जी में, पूरा आँख जल रहा है मेरा, पूरा इतना बड़ा छिट्टा पड़ गया अंदर। व्हाट्सअप कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज डाल।
दोस्तों आज के ब्लॉग का स्टार्टिंग बाबू भी है हमारे ब्लॉग में बहुत दिन के बाद। तो गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज है सतमी का पूजा और उसमें हम लोगों ने बनाया है बहुत ही ज्यादा पकवान। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत सारा चीज बनता है, आज दाल वाला पूरी वगैरह सब बनता है, दाल का पानी का पानी। लेकिन आज ये बोले थे कि मेरा मन नहीं लग रहा है क्योंकि आज का जो दिन है शायद ऐसा लग रहा है कि क्या बोल रहे मम्मी बात आज का दिन क्या है आज के दिन अभी हम आ गए मम्मी के पास, मम्मी भी आके बैठी हुई थी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था तो मम्मी आके बैठी हुई है। अभी बाबू भी अभी एप्पल खा रहे हैं और अभी किचन में बन रहा है सब अच्छे अच्छे खाना। खाने में क्या है, दाल वाला पूरी है और खीर वगैरह मम्मी बताएंगी। पूरी खीर दाल का पानी यही सब आज बनता है। तभी पापा जी गए हुए हैं गांव पे, देखते हैं पापा जी कब आते हैं। बाकी अभी जा रहे हैं किचन में और किचन में जाके थोड़ा सा आंटी जी आई है बनाने के लिए, तो अभी आंटी जी सब कुछ बना दिए, बस मेरे को पूरी का थोड़ा सा उलट पलट करना है और छानना है ना। तो अभी भरने के सीखा, आज पूजा भी बनाई थी खूब अच्छा। हाँ सुबह सुबह देखे थे पूरी खीर भी बनाई है, अच्छा लगा। पहले बार आज बनाई हो? हाँ लिखी थी इंस्टा पे डाली हुई थी, तो हमको नहीं विश्वास था कि उसको आएगा भर के बनाने, लेकिन बहुत अच्छा बनाई है, टेस्टी बनाई थी। आप लोग भी बनाइए लोग और आप लोगों को भी घर हमेशा हमेशा खुश रहिए लोग। और इस बार जो बाबा धाम या बाबा जो है वो हम सब लोगों के घर में सुख शांति रखे। सतमी हम लोग बना रहे हैं आप लोग के लिए भी बहुत बाबा मतलब देवघर के बाबा। और सतमी का आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही आप लोग हमेशा खुश रहे। जा रहे हैं किचन, तो आ गए हैं किचन में और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पूरी भी सिखा रहा है। जैसे ही सिखा जाएगा बस इसको छानना रहेगा, तो एक तरफ कढ़ाई बैठा देते हैं तब तक छानते भी रहेगा। क्या देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे पूरी अभी एकदम हल्का हल्का इसको सेका जा रहा था कि ये कच्चा ना रहे, और यहाँ पे बन गया है खीर। ये दाल है जो कि दिन में बना हुआ था, ये आलू का भुजिया। पता नहीं अगर मिस्टर आज ब्लॉग देख रहे होंगे तो मिस कर रहे होंगे ये आलू के भुजिया, क्योंकि बाहर तो इस टाइप का नहीं मिलता है, बाकी बहुत सारा खाना मिल जाता है। और यहाँ पे दाल है तो देख रहे हैं अभी इस दाल भरा रहा है तो किचन में, और यहाँ पे पूड़ी सिका रहा है, और यहाँ पे मैंने रिफाइंड डाल दिया है छानने के लिए, तो मैं छानते जाऊँगी। आंटी जी भर रही हैं और एक तरफ तावा पे सिका रहा है, चलिए दिखाते हैं। ये पूड़ी सेक के बन रहा है, वैसे तो मेरे घर में ऐसे बिना सेके हुए बन जाता है, और यहाँ पे मैंने तेल वगैरह सब कुछ बैठा दिया है, बस अब छानते जा रहे हैं क्योंकि पूड़ी सेका गया है और इस तरह कच्चा होने का ज़्यादा चांस नहीं होता है, मतलब सेक के बनता है। ये ब्लॉग में आप सभी को सिर्फ खाना खाना देखा है, और आई होप कि आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब सारा शेयर कीजिएगा। अभी मिस्टर आज थोड़ा सा गुमशुद है तो इसलिए ब्लॉग नहीं आ पा रहा है, वो ब्लॉग नहीं डाल पा रहा है क्योंकि ब्लॉग डालने के लिए हमें वाईफाई की ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल डेटा से तो हो नहीं पाता है। तो आप लोग कमेंट करना, उनका ब्लॉग आ जाएगा बहुत जल्दी। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, और जाते जाते हमारे इंस्टाग्राम आईडी है राजमरी से सचिन, तो उसको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जाइए फटाफट फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।